हेलो फ्रेंड्स, सरिताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी मिक्स वेज बना रही है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखें वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस को ऑन करके उस पर कुकर चढ़ा देंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम उसमें जीरा डालेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही जीरा हल्का ब्राउन हो जाए हम इसमें चॉप्ड अनियन, गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम मिक्स वेजिटेबल बहुत ही कम ऑयल से बनाएंगे, वो भी बिना डीप फ्राई। फ्रेंड्स, जैसे ही अनियन हल्की ब्राउन हो जाए हम इसमें चॉप टमाटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे, फिर धनिया पाउडर डालेंगे और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले लें। फ्रेंड्स, मसाला भूनते हुए हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाला जले ना। फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आलू, गाजर और मटर ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम वेजिटेबल्स को मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने गर्मियों में आने वाली ऑरेंज गाजर ली है, जो कि मीठी नहीं होती और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, हम अपनी सब्ज़ी को 2 मिनट तक मसाले में भूनेंगे। फ्रेंड्स, सब्ज़ी को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सब्ज़ी में मॉइस्चर बना रहे। फ्रेंड्स, अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम नमक टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी में नमक एकदम परफेक्ट है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और एक विसल आने तक वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक विसल आ चुकी है। अब हम कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, कुकर का प्रेशर निकल चुका है। चलिए अब हम सब्ज़ी को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आया है और ये बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो घी को अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इस सब्ज़ी को रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे राइस या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।